आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम दीपावली का एक और बैनर बनाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का बैनर डिज़ाइन दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे। इस बैनर की आपको PLP फाइल एंड PNG की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको PLP फाइल डाउनलोड कर लेनी है और पासवर्ड आपको दो स्टेप में दोस्तों इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के वीडियो को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले PIXLab ऐप को दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूँ। PIXLab ऐप दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको इस नो टेक्स्ट को हटा देना। इसके बाद आपको 3 डॉट पे जाना है और इमेज साइज में जाना। यहाँ से दोस्तों आपको स्क्वायर साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और ओके कर लेना। फिर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। कलर पे आना है, यहाँ पर आपको दोस्तों ब्लैक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यस पर टिक कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको जो मैं PNG दूंगा वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर PNG ऐड करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्लस पर जाना है और फ्रॉम गैलरी पर दोस्तों क्लिक कर लेना। अपनी गैलरी दोस्तों ओपन हो जाएगी। गैलरी में जिस भी फोल्डर में दोस्तों अपना जो मटेरियल रखा है बैकग्राउंड वगैरह वो आपको फोल्डर ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं वाला फोल्डर दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह की आपको दोस्तों लाइटिंग PNG मिलेगी। इसको सबसे पहले आपको दोस्तों ओपन कर लेना है। इस लाइटिंग PNG को दोस्तों आपको ऐड करना है। फिर आपको रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेना दोस्तों कुछ इस तरह से, और लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको प्लस पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको दी वाली PNG को ऐड कर लेना, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस PNG को आपको ऐड करना है, रिलेटिव साइज पर जाके आपको दोस्तों फुल कर लेना कुछ इस तरह से, लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों दोबारा प्लस पे जाना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना दोस्तों कुछ इस तरह के आपको तोड़ने वाले PNG को ऐड कर लेना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको आपको रिलेटिव साइज पर जाके फुल कर लेना है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाके लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की साइड में स्लोगन PNG ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करेंगे, प्लस पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से स्लोगन PNG दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरह की PNG मैंने बना रखी है और रिलेटिव साइज पर जाके इसको हम फुल कर लेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पर जाके लॉक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आपको दीपावली वाले टेक्स्ट PNG को ऐड करना है यहाँ पर। तो कैसे ऐड करना है, प्लस पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर दोस्तों हम क्लिक कर लेंगे और कुछ इस तरह से दीपावली के हार्दिक शुभकामना वाले टेक्स्ट PNG को दोस्तों हम सेट कर लेते हैं और लेयर वाले ऑप्शन पर जाके लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेम प्लेट हम ऐड करेंगे, प्लस पर क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह का आपको सेफ नेम प्लेट आपको ऐड कर लेना, रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेना है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाके लॉक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों शुभेच्छक के आगे अपना जो भी नाम हो आपको लिख लेना है और इस साइड में अपनी फोटो आपको सेट करनी है। तो प्लस पर क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना दोस्तों, यहाँ से अपनी कुछ इस तरह की इमेज आपको सेट कर लेनी है साइड में और लेयर वाले ऑप्शन पर जाके फोटो को आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाटरमार्क लोगो ऐड कर लेना है। आपके पास है तो कर लेना, नहीं है तो रहने देना, ठीक है। तो मैं अपना वाटरमार्क लोगो दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये लोगो मैंने सेट कर लिया। इसके बाद दोस्तों अपना पोस्टर कंप्लीट हो चुका है। शेयर वाला ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कस्टम मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। अल्ट्रा पे जाना है, सेव टू गैलरी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना, अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। इस पोस्टर की आपको PLP फाइल एंड PNG की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। पासवर्ड आपको दो स्टेप में इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।